कैथल में गांव मुंदड़ी के पास पुंडरी की तरफ से कैथल की तरफ जा रही I-20 कार सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई, जिसमें 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कैथल निवासी अजय उर्फ आशु के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार गिरने के बाद थोड़ी देर तक नदी के बहाव में तैरती हुई बहती रही। चालक ने भी जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, जिसकी आवाज सुनकर आसपास व राहगीर भी बचाने के लिए नहर में कूद गए। लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण गाड़ी नहर पुल से काफी आगे चली गई और पानी भरने के कारण नीचे बैठ गई। आवाज मारी उसने, वो हमारे साथ बोल खिड़की खोलने की कोशिश कर ले, शीशा खोलने की कोशिश कर ले, बोले खुल्डा बन कुछ भी, तो उसकी सीट बेल्ट खुलवाई। मैंने कह कुआ का, फिर मम कुदे, मैंने कह के घबराइए नहीं, तुम मान लग रहे। फिर मम कुदे पाँच छह जने, तो यहाँ भाई भी थे मारे गेली, मम कुदे तो गाड़ी मैंने रोकी, उड़ा रुक गई थी गाड़ी, तो उन्होंने बोले अकबे मम बोले उस तो लिगड़न की कोशिश कर, उन्हें लिगड़न की कोशिश को नहीं करी। फिर मैंने पीछे गाड़ी का शीशा फोड़ा, तो गाड़ी शीशा फूट दे सर, वो अंदर बैठ गई, यहाँ डूब गई। तो गाड़ी तो बंदा अंदर ही था, सिर्फ अकेला ही था, अकेला ही था। तो पुल से गिरी है गाड़ी? हाँ, जो नाने वाला घाट है ना, उस घाट से गिरी है। क्या ये सड़क से आ रहा था गिरी है या फिर वैसे उतरी है? ये हमने सिर्फ मन गाड़ी में, ये नहर में आंधी हुई, नहर में आंधी हुई देखी हमने, तैर दी हुई गाड़ी। इसने बोले अभी कुछ आपको? क्या जी बोलना है? ये बोलना है कि मम बोले उसका तैरना नहीं आंदा, उन्होंने बोले तैरना नहीं आंदा मैंने, तो जितनी बात हुई थी अल्ले, फिर वो घबरा सी गया। जो मौके पर लोग थे उन्होंने बोला भी था की आप बाहर आ जाओ, उसने बोला की मैं तैरना नहीं आता। एक किला दो किले पुलिस अभी आगे आ रहे, थोड़ी देर गाड़ी पानी के ऊपर चली, उसके बाद नीचे चली गई। ने बताया कि गाड़ी को बचाने का भी प्रयास जो है? हाँ बिल्कुल, वो अंदर चले गए थे लेकिन संख्या कम थी लोगों की, एक दो लोग थे उनके पर गाड़ी नहीं सरी, और काफी देर गाड़ी तिरके काफी देर चलती रही, लेकिन काफी दूर आकर वो गाड़ी के नीचे चली गई। और जैसे गांव नजदीक है मुंदड़ी, इसके काफी लोग आए, ट्रैक्टर लेके आए, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, पुलिस प्रशासन मौके पर, एम्बुलेंस है और संस्था के लोग हैं। नहीं सर, कोशिश तो करी है लेकिन काफी देर पानी में, एक घंटे के आसपास हो गए और वो खत्म हो चुका भी, डेड बॉडी निकाली। गाड़ी निकली है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ का है? कैथल है सर, H-R-08-V, और पूरा नंबर शायद पीछे लिख रखा गया कि वो टूट गई। राहगीरों ने कार गिरने की सूचना पुंडरी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही पुलिस थाना प्रभारी बिलास राम व फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद DSP भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाल लिया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। सूचना ये थी कि गाड़ी में के जो चालक था उसके साथ ही गाड़ी जो है नहर में गिर गई, और सूचना पाकर के थाना की भी पुलिस आई है, गांव के काफ़ी सारे लोग यहां पहुंचे हैं, और उन गांव वालों की इमदाद से और उनके ट्रैक्टर वगैरह की इमदाद से जो है गाड़ी को और व्यक्ति को निकाल लिया गया है। और अभी तक इसकी सूचना जिन्हें प्राप्त हुई है, शायद ये कैथल का व्यक्ति है, इसका परिवार कुछ देर में आ जाएगा। जैसी भी सूरत उसकी मौत हो चुकी है। गाड़ी किस साइड से आई थी सर? गाड़ी कैसे गिरी कुछ कारणों का पता लगा? ये अभी तक कोई पता नहीं। तो कुछ क्या कुछ मिला है गाड़ी में, कुछ पहचान हो पाई? गाड़ी में अभी उसकी आईडी मिली है, कार की आईडी है, बाकी ये जो काम करता है उसका एक दो कार्ड है, उस पर ने बात की है, कुछ देर में इसके परिवार वाले पहुंच जाएंगे। 95 बजे करीब होगा, आधा किलोमीटर का फैसला। उम्र की बात करें सर, ये कर्व है उसकी वजह से गाड़ी गिरी? नहीं, उधर से नहीं गिरी है गाड़ी, तो ये घाट के आसपास बताते हैं कोई एक दो जिसने देखी, घाट से गिरी है। सर उम्र की बात करें, युवक की उम्र कितनी होगी? लगभग होगी 30-35 साल। आपको बता दें कि ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो गई थी। युवक के शव को नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया है और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।